दोस्तों अभी मैं अपने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन हूँ अपने जीएसटी नंबर से, और यहाँ पर आईटीसी जो देख सकते हैं मेरा 158 रुपीज़ है, और इसी आईटीसी को हम क्लेम करते हैं जब हम रिटर्न फिल करते हैं। हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली एंजॉय कीजिए, आप सभी को अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। एंजॉय दिवाली। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोटो ग्रुप चैनल में। मैं प्रकाश जुड़ चुका हूं आपके साथ एक और नए ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा आईटीसी के ऊपर। दोस्तों क्या आपको पता है आईटीसी क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपसे बात करूँगा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। ये जीएसटी का ही पार्ट है दोस्तों। आप जीएसटी अगर होल्डर हो, एक ऐसे सेलर हो जो जीएसटी लेकर सेल कर रहे हो प्रोडक्ट्स को, तो आपके लिए आईटीसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग में आना चाहते हो तो भी ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आईटीसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है उन सभी सेलर्स के लिए जो जीएसटी नंबर लेके ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, या फिर वो ऑफलाइन मार्केट में भी जीएसटी नंबर लेके सेल कर रहे हैं। क्योंकि आईटीसी दोस्तों कहते हैं, आईटीसी का जो फुल फॉर्म है वो मैं आपको कहूँ तो इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसा कि मैं अपने जितने भी वीडियो होते हैं जीएसटी के रिलेटेड, या फिर और भी वीडियो जो होते हैं जिसमें मैं आपको प्रोडक्ट की सोर्सिंग बताता हूँ, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो भी आप टैक्स पे करते हो परचेज करते समय, वो टैक्स आपको रिटर्न फिल करते समय वापस मिल जाता है। ये कैसे होता है? ये होता है दोस्तों आईटीसी की वजह से, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब भी आप दोस्तों कोई भी माल परचेज करते हो, गुड्स जो परचेज करते हो, तो जो सप्लायर आपको सप्लाई कर रहा है वो आपसे टैक्स लेता है, उसे हम इनपुट टैक्स कहते हैं। और जब आप उस गुड्स को सेल कर देते हो तो भी आप कस्टमर से टैक्स लेते हो, तो उसे हम आउटपुट टैक्स कहते हैं, आउटपुट जीएसटी कहते हैं। तो दोस्तों जब आप टैक्स जो पे करते हो परचेज करते समय, और जो आपने जो सेल करते समय लिया है जो भी टैक्स, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही आपको पे करना होता है। तो उस समय आपको पूरा जो टैक्स है वो तो पूरा दिखाएगा कि आपको, मान लीजिए आपने 200 परचेज करते समय लिया था और सेल करते समय 205 ले लिया, तो आपको लाइबिलिटी तो पूरा दिखाएगा कि 205 आपको पे करना है। बट उस समय आप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसे यूज कर सकते हो। इसे मैं आपको बढ़िया से समझाने के लिए अपने जीएसटी का जो वेबसाइट है वहाँ पर अपना अकाउंट भी खोल के दिखाऊंगा कि जो मुझे क्रेडिट मिलता है उसे कैसे यूज करते हैं, वो आगे आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूँ। पहले थोड़ा समझते हैं मैन्युअली। तो समझ में आया आपको कि जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? देखिए दोस्तों, जब कोई भी कोई गुड्स तैयार होता है किसी कंपनी के से, तो वो किसी सप्लाई चेन के थ्रू ही कस्टमर तक पहुँचता है। डायरेक्ट ऐसा नहीं होता है कि कस्टमर डायरेक्ट फैक्ट्री पर जाके परचेज कर लेता है। तो फैक्ट्री से वो मैन्युफैक्चरर जो है उससे आता है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से बाद होलसेलर के बाद फिर कस्टमर तक, फिर रिटेलर होते हैं, रिटेलर से के बाद कस्टमर तक पहुंचता है। तो इस बीच में क्या होता है, प्राइस जो होता है वो एडिशन होते चला जाता है। अगर वो फैक्ट्री से अगर 100 रुपये में निकल रहा है तो कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते मे बी वो 150 हो जाए या 200 हो जाए, ठीक है, डिपेंड करता है उस कंपनी पर कि वो कितना प्राइस कस्टमर तक पहुँचाते समय रखना चाहती है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू एडिशन होता जा रहा है इस पर क्या होता है कि जीएसटी लगता जा रहा है। अगर आप वैल्यू एडिशन नहीं करोगे तो जीएसटी भी नहीं लगेगा, ठीक है, वो आगे मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। तो वैल्यू जो एडिशन होता जाता है, जैसे मान ली फैक्ट्री से जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने 110 का खरीदा, अब वो क्या करेगा कि जो होलसेलर है उसे 120 में बेचेगा, अब होलसेलर रिटेलर को 140 में बेचेगा, अब जो 140 में जो जिसने बंदा ने खरीदा है, जिसने भी रिटेलर ने, वो कस्टमर को 150 160 इतना में बेचता है। तो क्या हो रहा है, वैल्यू 100 का सामान आते आते 150 का हो जा रहा है, तो उसमें 50 रुपये की वैल्यू एडिशन हो जा रही है। तो ये जो 50 रुपये एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन हो रहा है इसी के ऊपर टैक्स लगता है, इसे हम लोग जीएसटी कहते हैं। तो जो भी सप्लायर या परचेजर जो गुड्स को कंपनी से या डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से परचेज करता है तो उस समय वो टैक्स दे देता है, ठीक है। आप भी कोई माल जब खरीदते हो जीएसटी इनवॉइस में तो उस समय आपसे टैक्स लिया जाता है, और जब आप सेल करते हो उसे तो उस समय ही आपको टैक्स कस्टमर से लेना पड़ता है। तो आप जब माल परचेज करते हो तो उस समय आपको टैक्स क्रेडिट होता है जो आपके जो जीएसटी का वेबसाइट है वहाँ पर शो करता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे जो आपको इनपुट टैक्स मिला है उसे आप यूज कर सकते हो। इसके लिए मुझे चलना पड़ेगा अपने जो जीएसटी का वेबसाइट है वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं अब जीएसटी के वेबसाइट पे।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे जो डैशबोर्ड है वहाँ पे 158.57 रुपये जो है वो क्रेडिट बता रहा है, ITC क्रेडिट। तो इसे आप जब अपने डैशबोर्ड पे जाओगे और 2B सेक्शन में जाओगे, GSTR 2B में, तो वो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा जो सप्लायर है, इन्होंने मैंने परचेज जो किया था वो यहाँ आपको दिखेगा। B2B इन्वर्सेस आपको जाना है और इसे आप यूज कैसे करोगे मैं आपको बताने वाला। देखिए तो 1,040 रुपीज़ का ये जो मेरा इन्वॉइस था, तो यहाँ पर मैं आपको नोटपैड में लिख लेता, ये हमारा इन्वॉइस बिल था, इतना मैंने पे किया था, ठीक है। ये हमारा इन्वॉइस बिल है, 1,014 रुपीज़ हमने पे किया था और इसमें हमारा इतना क्रेडिट मुझे मिला है, इतना GST था 18% के हिसाब से। देखिए यहाँ पर मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको, देखिए 18% टैक्स रेट के हिसाब से जो मैंने जो भी गुड्स परचेज किए थे उसका वैल्यू हुआ था 818 रुपीज़, ठीक है। और इसमें इतना मैंने टैक्स दिया था, तो टोटल जब वो इस इन दोनों का आप करेंगे तो 1,014 रुपीज़ का मैंने वहाँ पे कर दिया था और इतना का सामान मैंने मेरा था, इतना टैक्स था, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको ये जो आपका जो ये जो बिल अमाउंट है ये आपको अपना सामान का मिला और ये आपने उस समय टैक्स पे किया था, यही टैक्स अब आपको जब जिस भी सप्लायर से आप परचेज करोगे वो जब इंट्री कर देगा तो आपके GST पोर्टल पे दिख जाएगा। देखिए ये हमारे GST पोर्टल पे दिख गया, टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से हमने ये परचेज किया था, तो ये हमारा यहाँ पे दिख गया है। अब क्या होगा फ्रेंड, इस मंथ में हम जब सेल कर लेंगे या फिर अगले मंथ जब भी सेल करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसका क्रेडिट यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो इसी मंथ यूज कर लो या नेक्स्ट मंथ भी यूज कर सकते हो। जब भी आपका ऐसा कभी कभी होता है कि हमने जो 180 सेल किया तो वो एक मंथ में नहीं सेल होता है, नेक्स्ट मंथ में सेल हो जाता है। तो क्या करना है, देखिए अब मैं इसे सेल करूँगा तो कितना सेल करूँगा, देखिए मैंने 1,880 में परचेज किया तो मान लीजिए मैं इसमें प्रॉफिट तो रखूँगा ही, तो मैं इसे मान लीजिए 1,800 में सेल करता हूँ, ठीक है। ये मेरा सेल अमाउंट है। अब देखिए यहाँ पर जब 1800 में मैंने सेल किया तो इसमें अब मैं कस्टमर से GST भी लूँगा, ठीक है। विदाउट GST तो मैं इसे सेल नहीं कर दूँगा। तो देखिए अब GST जब मैं लूँगा तो 18% के हिसाब से मैं भी लूँगा, तो 1800 का 18% अगर मैं आपको बताऊँ तो 324 रुपीज़ इसका GST अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा GST हो गया, तो टोटल जो इस कस्टमर से मैं लूँगा 1800 प्लस 324 मैंने GST का लिया, तो टोटल 2,124, इतना यह टोटल अमाउंट हो गया। फ्रेंड्स ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया। तो अब हम जब रिटर्न फिल करेंगे तो क्या होगा, हमें बोला तो जाएगा ये पूरा फिल करने के लिए, ठीक है। आप जैसे ही सेल डालोगे कि मैंने इतना का सेल किया तो आपको वहाँ पर शो कर जाएगा कि आपका GST भरना है 324, ठीक है। बट आपको यहाँ पर टोटल नहीं GST फिल करना है, यहाँ पे आप अब वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जब आपसे पूछा जाएगा कि आपका क्रेडिट इनपुट क्रेडिट आपको कितना है, आप कितना आपको इनपुट क्रेडिट मिला है, तो उस समय हम बोलेंगे कि हमें 157 हमारा क्या है इनपुट क्रेडिट है, ये मैंने पे किया है। देखिए यहाँ पर शो भी हो जाता है, तो आप आराम से जो डेटा डालोगे वो आप यहाँ पर देख लें कि आपका यहाँ पर वो बिल आपके जो जिसने भी आपने जिससे भी परचेज किया वो यहाँ पर एंट्री कर दें ताकि आपके ITC सेक्शन में वो दिख जाए। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके जितने भी ITC होंगे आप यहाँ पर माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हमें क्या बोलना है कि हमने इतना पे कर दिया है पहले ही, ठीक है, जब हमने परचेज किया था, तो अब माइनस करना है 324 और जो भी बनेगा वो आपको पे करना है। यही फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट है ITC का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम टैक्स कितना पे करेंगे, 167, ठीक है, समझ में आया। ये हमें पे करेंगे GST पे नेट, हमें इतना ही पे करना है। अब ये डिपेंड करेगा आपने कितना परचेज किया है, कितना सेल किया है, और जब आप GST सप्लायर से परचेज करते हो तो ये आपका फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर आप विदाउट GST वाले सप्लायर से अगर परचेज करोगे तो ये जो आपको 157 रुपये जो यहाँ पे क्रेडिट मिला है ये आप वो सप्लायर तो एंट्री ही नहीं करेगा क्योंकि उसके पास GST नंबर नहीं है, तो ये 157 आपको इनपुट नहीं मिल पाएगा। तो यही फ़र्क होता है GST सप्लायर और विदाउट GST सप्लायर से बाय करने पे। तो ये 158 आप यूज भी नहीं कर पाओगे, तो आपको टैक्स यहाँ पे ज़्यादा पे करना पड़ जाएगा कि वो आपको फिर आपने अगर 2,124 रुपये में सेल कर दिया तो आपको फिर यहाँ पर 324 रुपीज़ पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आप नहीं बोल सकते हो कि मुझे ITC यूज करना है क्योंकि आपने GST पेबल कस्टम जो सप्लायर है उनसे परचेज नहीं किया है। तो होप दोस्तों आपको ITC का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट में आपका मैं पूरा हेल्प करूंगा अगर कोई भी डाउट है। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।